इस टॉपिक में हम सीखेंगे कि हम लोगों को ट्रैक कैसे कर सकते हैं, बट ये वो ट्रैकिंग नहीं है जिसके बारे में आपने शायद सुना। हमने लोगों को ना उनके घरों पे ट्रैक करना है, ना हमने उनके फ़ोन को ट्रैक करना है, ना हमने उनके ईमेल को ट्रैक करना है। हमने अपने विजिटर्स को जो कि हमारी वेबसाइट पे आते हैं उनको ट्रैक करना है यूजिंग अ वेरी पावरफुल टूल दैट इज़ नोन एज गूगल एनालिटिक्स। और मैं ज़रा डिटेल में जाऊँगा आपको समझाने के लिए कि गूगल एनालिटिक्स क्या है और कैसे काम करता है। लेकिन उससे पहले इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न कि एनालिटिक्स आखिर क्या होती हैं। सो द वेरी सिंपल क्वेश्चन दैट यू मस्ट बी थिंकिंग इज कि व्हाट आर एनालिटिक्स एंड हाउ डू दे वर्क। सो एनालिटिक्स इज द डिस्कवरी, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ मीनिंगफुल पैटर्न्स इन डेटा एंड अप्लाइंग दोज पैटर्न्स टूवर्ड्स इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। सो ऑब्वियसली आपके पास विजिटर्स जब आते हैं आपकी वेबसाइट पे, उससे आपके पास ट्रैक होता है डेटा। आपके पास बहुत ज़्यादा विजिटर्स आते हैं तो आपके पास आहिस्ता आहिस्ता डेटा ट्रैक होना शुरू हो जाता है। बट उस डेटा से आप क्या कर सकते हैं या क्या करना चाहते हैं, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट एनालिटिक्स हेल्प्स यू डू। एनालिटिक्स हेल्प्स यू मेक वेरी गुड डिसीजंस। सो एनालिटिक्स बेसिकली हेल्प्स यू विथ डिसीजन मेकिंग। और गूगल एनालिटिक्स क्या है? Google Analytics is a tool that can help you track visitors and performance of your WordPress website. And it is the most widely used tool on the internet. Internet pe sabse zyada use hone wala website tracking tool is actually Google Analytics. Lekin aakhir kya zarurat hai? Why should we use an analytics tool? Because what can be measured कैन बी इम्प्रूव्ड। ये याद रखिएगा, वट कैन बी मेजर्ड कैन बी इम्प्रूव। ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप लेट से गाड़ी चला के निकलते हैं और एकदम से आपको पता लगता है कि आपकी जो फ्यूल की लाइट है वो ऑन हो गई है, और फिर आप कहते हैं कि हम अपने पास ही पेट्रोल पंप पे चले जाएं और वहां से फ्यूल डलवा लें। सो दैट इज एन इंडिकेशन जिससे आपको पता लगता है कि आपने कोई एक्शन लेना है। इसी तरह इंटरनेट पे या आपकी वेबसाइट पे जो डेटा होता है वो आपको आपकी वेबसाइट से रिलेटेड इनसाइट्स देते हैं। उन इनसाइट्स पे अमल करके आप अपनी वेबसाइट को बेहतर कर सकते हैं। दैट्स वाई इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो कि ये डेटा क्या है और किस तरह से आप इस डेटा को ट्रैक करके अपने यूजर्स को ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो नोइंग हाउ योर ऑडियंस इंटरैक्ट्स विद योर वेबसाइट इज क्रूशल एंड की टू योर सक्सेस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आपके विजिटर्स कहाँ से आ रहे हैं, आपके विजिटर्स क्या कर रहे हैं, एंड हाउ दे आर इंटरैक्टिंग विद योर वेबसाइट। द बेस्ट वे टू नो योर ऑडियंस इज थ्रू ट्रैफिक स्टेटिस्टिक्स, एंड दिस इज वट गूगल एनालिटिक्स प्रोवाइड्स टू यू। और इस टूल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये टूल है फ्री। आपने बिल्कुल सही सुना, दिस टूल इज एब्सोल्युटली फ्री टू यूज। आप गूगल एनालिटिक्स के टूल को मुफ्त में यूज कर सकते हैं क्योंकि गूगल ने ये टूल पूरी दुनिया के वेबसाइट के डेवलपर्स के लिए और इवन ऐप डेवलपर्स के लिए बनाया है, और आप उसमें से एक हैं, और आप इंशाल्लाह इस टूल को यूज करते हुए एक दिन सक्सेसफुल भी होंगे। Because again, the message is what can be measured can be improved. So, aapki website pe kaun aata hai? Who are these people who visit your website? Aur ye ek question hai jo aap baar baar sochenge bhi, and the analytics will help you answer this question. Aapki analytics aapko batayegi ki kis tarah ke log aapki website pe aa rahe hain aur in logon ki location kya hai, where are they coming from. Ho sakta hai ye log ऑस्ट्रेलिया में बैठे हो सकता है ये लोग किसी और मुल्क में थाईलैंड में बैठे हो सकता है ये आपके शहर लाहौर में बैठे हों, लेकिन आपको ये कैसे पता लगेगा? हाउ विल यू नो कि ये लोग कहाँ बैठे हुए हैं? यू विल फाइंड आउट दिस यूजिंग गूगल एनालिटिक्स। और गूगल एनालिटिक्स आपको ये भी बताएगा कि आप किस तरह का और डेटा इन यूज़र से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। डेटा लाइक कि किस तरह का ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, डेटा लाइक ये इनकी स्क्रीन रेजोल्यूशन क्या है, और ये डेटा क्यों ज़रूरी है? बिकॉज दिस डेटा
helps you make the right decisions and helps you make the right strategies. So what do people do when they're on your website? Another question that you must think about. You can track where the user is going on your website, how long they stay on your website, and what is the bounce rate. Bounce rate is kya user aapki site pe aaye and then they left. So ye dekhna bahut zaruri hai ke jab aapki website pe koi banda aata hai to kis jagah zyada jata hai, usko kaun si cheez pasand hai. Think of yourself as a shop. Jab bhi ek dukaan pe koi banda aata hai to dukandar ko pata hota hai कि सबसे पहले ये बंदा क्या चीज लेगा और दुकान की ओरिएंटेशन इस तरह डिजाइंड होती है. इसी तरह आपकी वेबसाइट पे भी इट्स इंपॉर्टेंट टू नो कि व्हाट इज अट्रैक्टिंग द ऑडियंस एंड व्हाट आर सम ऑफ द एरियाज व्हिच आर वेरी अट्रैक्टिव टू द यूजर्स. और क्वेश्चन आपके जहन में शायद आए कि व्हेन डू पीपल विजिट योर वेबसाइट. भाई लोग किस टाइम पे आपकी वेबसाइट विजिट करते हैं? सुबह के टाइम, शाम के टाइम, चाय के टाइम, खाने के टाइम, किस टाइम पे? गूगल एनालिटिक्स इसका भी जवाब आपको देगा. और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, भाई लोगों को आपकी साइट का पता कैसे चलता है? वो सोशल मीडिया से आते हैं, वो डायरेक्ट किसी से सुन के आते हैं, या वो गूगल से आते हैं? गूगल एनालिटिक्स विल हेल्प यू डू ऑल ऑफ दिस. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, हाउ कॉन्टेंट, किस तरह से यूजर्स आपके कॉन्टेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं. और एक लफ्ज ए बी टेस्टिंग भी आप काफ़ी ज़्यादा सुनेंगे. ए बी टेस्टिंग basically helps you understand के लोग आपकी साइट पे आके किस तरह के एक्शन ले रहे हैं. सो गूगल एनालिटिक्स को इंस्टॉल करने का सिंपल तरीका, आप एक गूगल अकाउंट बनाएंगे और आप एक गूगल अकाउंट बनाने के बाद यू विल साइन अप टू गूगल एनालिटिक्स बाई गोइंग टू गूगल सर्च. सो नंबर वन इज मेकिंग अ गूगल अकाउंट एंड साइनिंग अप फॉर गूगल एनालिटिक्स. उसके बाद आपने ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है अपना अकाउंट बनाने के लिए. And that's where you can add a new account for your website. And then the third most important part is installing the right plugin. The plugins that we recommend, ek usme se naam hai Monster Insights, ek usme se hai Insert Head and Footer, but our favorite aur hamare Pakistan ke WordPress ke superhero Muhammad Adnan ne ye plugin banaya hai jiska naam hai Analytify. Aur hum chahte hain ki aap hamare sath seekhein ki Analytify ko use karte hue how you can add analytics to your website. So let's go live and let's try it out. Ab hum try karne lage hain Analytify. So hum kya karte hain, apni plugins ki option mein jaate hain and we'll try to add a new plugin jiska naam hai Analytify. Hum isko search karenge aur ye aa gaya Analytify. So as you can see it was updated 4 days ago. Iski 20,000 installations hain aur ye compatible hai with my version of WordPress which is the latest version. So I'll click on install now. Aur ab aapne dekha hai jaise hi plugin install ho gaya hai to I've clicked on activate and I've basically made my WordPress website powered by Analytify when it comes to analytics. Jaise hi maine isko enable kiya to mere paas ek upar message aa gaya ki thanks for updating Analytify, read how thousands of users loving Analytify and sharing their story. So what I'll do is कि मैं सबसे पहले जाऊँगा और मैं देखूँगा कि Analytify कहाँ है. लेफ्ट पे आपको ये नज़र आ रहा है कि Analytify इंस्टॉल हो चुका है. तो आई क्लिक ऑन डैशबोर्ड और यहाँ से मैं Analytify को यूज़ करते हुए अपना गूगल एनालिटिक्स का प्लग इन जो है वो कनेक्ट करूँगा अपने अकाउंट से. सो आई क्लिक ऑन अलाउ एंड कंटिन्यू एंड आई क्लिक ऑन लॉग इन विद एनालिटिक्स अकाउंट. और ये प्रोसेस डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट होगा. सो आपने खुद देखना है कि क्या लेटेस्ट प्रोसेस है जो आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट के लिए सही है. बट इट विल बी वेरी सिमिलर टू दिस प्रोसेस दैट आई एम ट्राइंग हियर. और देखें मैंने एकदम से क्लिक किया और मैं क्लिक करूँगा इंस्टॉल गूगल एनालिटिक्स ट्रैकिंग कोड. आई क्लिक ऑन सेव चेंजेस एंड दैट्स इट. कॉन्ग्रेचुलेशंस, Analytify इज नाउ ऑथेंटिकेटेड. प्लीज सिलेक्ट योर वेबसाइट प्रोफाइल हियर टू गेट स्टार्टेड. तो आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से ये एनालिटिक्स का प्लगइन मेरी वेबसाइट में इंटीग्रेट हो गया है. एंड आई कैन नाउ जस्ट सेलेक्ट प्रोफाइल. मैंने भी प्रोफाइल बनाई भी नहीं है. सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन ट्राई टू शो यू माय एनालिटिक्स अकाउंट.
और इसका मकसद आपको दिखाने का सिर्फ ये है कि आप थोड़ा सा समझे कि एनालिटिक्स क्यों ज़रूरी हैं। तो मेरे अकाउंट में इस वक्त बहुत से एनालिटिक्स के अकाउंट आपको नज़र आएंगे जो कि मेरी दूसरी वेबसाइट्स के हैं, बट आई वॉन्ट टू गिव यू अ क्विक आइडिया कि आप कैसे इसको देखेंगे। सो ये आप देख रहे हैं एक साइट जिसका मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, वो है skillsfirst.org। मैंने आपको पहले बताया था स्किल्स जो लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए एक साइट है, और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि देर इज़ अ लॉट ऑफ डेटा दैट यू कैन सी हियर। मुझे नज़र आ रहा है कि मेरे यूज़र्स कहाँ से आ रहे हैं, देयर रिपोर्ट्स। इसी तरह आप अपनी साइट का एक डेटा यहाँ इंस्टॉल कर सकते हैं यूजिंग दिस प्लगइन, एंड ट्राई टू यूज़ एनालिटिक्स टू इम्प्रूव योर वेबसाइट।